नमस्ते और जय हिंद साथियों। आजकल हमारे आज की युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है। उसका कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे प्यार में धोखा, एग्ज़ाम में फेलियर, पारिवारिक कारण और फाइनेंशियल कंडीशन, और भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आज का युवा बहुत ज़्यादा चिंताओं में और टेंशन में घिरा हुआ है। और इनमें उन हिंसक गेमों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन गेमों को खेलकर युवाओं का मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा है। दिन भर आज के युवा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखते हैं जो इनके सोचने समझने की क्षमता को कम करने लगते हैं, और जिस वजह से ये धीरे धीरे डीमोटिवेशन और टेंशनों में गिरने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे अश्लील और गंदे वीडियो आने लगे हैं जिनकी लतें युवाओं को होने लगी है, और परिणाम स्वरूप युवा अपना स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों खराब करते जा रहे हैं। लेकिन आज हमारा विषय यह नहीं, आज हमारा विषय है उन सभी मेरे भाई और बहनों के लिए जो लोग एग्ज़ाम में फेलियर होने के कारण सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ज़रा सोचिए, क्या एक एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से क्या आप सारी जंग हार चुके हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए जो आप एक छोटे से परीक्षा में फेल होने की वजह से अपनी पूरी इस बेशकीमती ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अभी तो आपकी ये शुरुआत है और आप अभी से हार जाओगे और ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? ज़रा सोचिए। माना आपका सपना टूटा है, लेकिन आप टूटे नहीं हो। खुद की टूटी हुई ताकतों को फिर से इकट्ठा करो और जी जान लगा दो कि आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाओ। और अगर मान लो कि इस एग्ज़ाम के लिए आप सतत प्रयास कर रहे हो और उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है ईश्वर आपको कुछ और बनाना चाहते हो और आप उस रास्ते पर ज़बरदस्ती खुद या किसी और के दबाव या महत्वाकांक्षाओं के दबाव में आकर उसके पीछे मेहनत कर रहे हो। ज़रा सोचिए, कभी कभी रास्ते बदलने पर ही सफलता मिलती है, इसलिए निराश ना होइए और उत्साह के साथ फिर से मेहनत करने लग जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ज़रूरी नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम ही आपके करियर या आपकी काबिलियत का प्रमाण हो। इस दुनिया में और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप आपका नाम कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो और भी बहुत कुछ। ये एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका जीवन निर्धारित नहीं कर सकती। आपके सपने, एक सपना टूट गया तो क्या होगा? फिर से खुद को खड़ा करो और धीरे धीरे इस डिप्रेशन से बाहर आइए। अगर आप जितना इस डिप्रेशन, इस असफलताओं के बारे में सोचोगे, आप उतना इस डिप्रेशन के दलदल में घुसते जाओगे। अपना ध्यान उससे हटाइए और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाइए, और अगर आप ईश्वर को नहीं भी मानते तो आप वहाँ से ध्यान हटाकर किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाइए जो जिसमें आप इतने खो जाओ कि आप पिछले में जो भी हुआ उसके बारे में कभी ना सोच सकते। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अध्यात्म से जुड़े। ईश्वरीय मार्ग ही ऐसा है जो आपको आपकी हर चिंताओं से आज़ाद कर देगा। स्पिरिचुअलिटी एक अंदरूनी सुकून और शांति देती है, और ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे धर्म ग्रंथों में मिलेगी।
अगर आप हिंदू है तो आपके धर्म ग्रंथ पढ़िए, उसके अंदर कितना ज्ञान भरा है। अगर आप उसे ही सही तरीके से समझोगे और आओगे तो आप पाओगे कि आप व्यर्थ ही चिंताओं में जो मैं फंसे हुए हैं। जैसे भगवद गीता में लिखा हुआ है कि कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता हमारे शक्तियों का नाश कर देती है। और भी धर्म ग्रंथों जैसे बाइबल में लिखा है, चिंता करने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, हमें चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, वरन हम खुद का विनाश करेंगे। और इवन साइंस भी यह कहता है कि जब व्यक्ति चिंताएं करता है तो उसकी शारीरिक क्रियाएं मंद होने लगती है और वह अपना स्वास्थ्य खराब करने लगता है, उसके मानसिक क्रियाएं भी अवरुद्ध होने लग जाती है। इस वजह से वो शरीर में सही पोषण नहीं हो पाता और शरीर कमज़ोर होने लगता है। आप मानो या ना मानो, धर्म और विज्ञान स्पष्ट रूप से यही कहता है कि चिंता या डिप्रेशन आपके शरीर, आपकी आत्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक ही है। इसलिए आप चिंता छोड़िए और अपने अगले कदमों पर ध्यान दीजिए। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। दुनिया का हर धर्म यह कहता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति को नर्क प्राप्त होता है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सिर्फ नर्क में जाता है। इसलिए इस घृणित पाप में ना पड़िए। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है। मिलते हैं अगली बार एकदम विस्तृत वीडियो के साथ मिलेंगे। सबको जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।